नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजानन आज आपके लिए लाए एक टॉपिक जो मेंटल का है। उसमें आपको पूरी डिटेल में और आपको कुछ प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे। इसमें आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी RRBJEE NTPC ये और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। दोस्तों तो चलिए बात करते हैं आज के जो टॉपिक है, डायरेक्शन, दिशा, उसको हिंदी में बोलते हैं दिशा। तो चलिए बात करते हैं कितनी दिशाएं होती है उसके बारे में। पहले सबसे पहले बात करते हैं, आपके सामने चित्र दे रखा है। इस चित्र में आपको सबसे पहले जो मेन जो मुख्य दिशाएं होती है उनके बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले ऊपर की जो ऊपर की साइड जो पेज के ऊपर की साइड होती है वो नॉर्थ होती है, जो उसे हम उत्तर कहते हैं। और जो पेज के निचले हिस्से में होती है उसे साउथ कहते हैं, वो दक्षिण दिशा होती है। जो आपके राइट साइड में उसे पूर्व दिशा यानी ईस्ट बोलते हैं, और उसके सामने की जो दिशा होती है उसे वेस्ट पश्चिम दिशा बोलते हैं दोस्तों। और उसके बाद अगला बात करते हैं जो चार दिशाएं होती है उनकी जो सब दिशाएं भी होती है दोस्तों। उसमें सबसे पहले होती है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये इसकी सब दिशाएं होती है। तो ये हमने सीखा था कि कौन कौन सी दिशाएं होती है, टोटल 8 दिशाएं होती है। तो अब इनका आगे देखते हैं क्या क्या इसका इनका उपयोग है। सबसे पहले आपको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आज वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखते हैं, इस प्रश्नावली के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों अथवा वस्तुओं द्वारा भिन्न भिन्न दिशाओं में चली गई दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो इसका मेन कंसेप्ट होता है ये है राइट हैंड साइड यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, जबकि दाईं ओर घूमना मुड़ना होता है। जब इसमें जो क्लॉकवाइज होता है उसमें दाईं ओर घूमना होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट हैंड साइड तो इसमें वामावर्त, जबकि इसमें बाईं ओर घूमना होता है दोस्तों। और इसमें बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए आगे का बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी दिशाएं होती है इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपके लिए समझाया हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले जो एक इसमें लिखा हुआ है सामने रेखा खींची हुई है उस पर दो कोण बने हुए हैं दोस्तों। जो रेखा खींची हुई है सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, और इसके बाद जो बीच में एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री के कोण के बाद एक 45 डिग्री का कोण भी हमने बनाया हुआ है। तो जैसे 90 प्लस 45 बराबर 135 डिग्री का कोण हो जाता है। अगर आप 180 प्लस 45 करते हो तो आपको उसमें भी 225 का कोण मिल जाएगा। और जब एक दिशा से सब दिशा की ओर आप जाओगे तो आपको केवल 45 डिग्री ही पार करना पड़ेगा। अगर आप दिशा की तरफ जाओगे तो आपको 90 डिग्री पार करना पड़ेगा। चलिए इसमें देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, आप इन्हें समझ लीजिए। जिसमें हिंदी वालों के लिए प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं और अंतिम बिंदु इसे बोलते हैं। और इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं वो देखिए, पाइथागोरस फॉर्मूले लगते हैं इसमें, जिसमें जो हम एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में अपने चार इसमें तीन जो भुजाएं होती है इनमें सबसे पहले जो एच से प्रदर्शित करते हैं हाइपोटेनस होती है, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, और जिसे पी से प्रदर्शित करती हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे लंब बोलते हैं, और जो इसको बी से जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं उसे बेस बोलते हैं, वो क्या उसका आधार होता है। इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, इन तीन फॉर्मूलों के माध्यम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले एच स्क्वायर बराबर पी टू, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद जो अब इसमें दे रखी है जैसे AC बराबर क्या होगा, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अंडर रूट में इसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किसी भी लिविंग थिंग निर्जीव वस्तुओं का अपना दायां बायां नहीं होता,
अतः आपका दायां बायां ही निर्जीव वस्तुओं का दायां बायां होता है दोस्तों। जो आपका दायां बायां है वही आपको मानना है कि ये दायां बायां ही उसी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसका दायां बायां होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहला किस क्वेश्चन जो किस बेस पे है उसमें देखते हैं। आनंद अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाएं ओर मुड़ जाता है। तो बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है, कोई घुमाया नहीं है। इसमें आपको सबसे पहले इसको उत्तर में ले जाना है और उत्तर के बाद यहाँ से पश्चिम दिशा में मोड़ देना है। पश्चिम दिशा में जाने के बाद कुछ देर चलने के बाद बायां, तो जैसे वो उसका बायां ऊपर की तरफ होगा तो आप बाएं की ओर ले जाओगे और उसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ, जो उत्तर दिशा होती है। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन की दोस्तों। यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, इसमें जो सब दिशाओं के बारे में भी पूछा गया है दोस्तों, तो यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहेंगे। तो ये देखिए 180 का जो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, चार दिशाएं जो मेन चार दिशाएं होती हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसमें सब दिशाएं क्या पूछा है, उत्तर को अगर दक्षिण पूर्व मतलब सामने वाली साउथ ईस्ट बोला जाता है तो पश्चिम को क्या कहेंगे। जो पश्चिम से देख लीजिए आप 135 डिग्री इधर घूमें तो 135 डिग्री इधर घूम जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाओगे, उत्तर पूर्व इसका आंसर होगा दोस्तों। इसमें बात करते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर नॉर्थ ईस्ट की तरफ की ओर है, वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है फिर 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बताओ उसका चेहरा किस दिशा में होगा। दोस्तों इसमें दो कंसेप्ट लगते हैं। सबसे पहले ये जो अपन एक चित्र बना के पूरा फॉलो करके उसको बनाते हैं और एक सीधा सीधा एकदम छोटा ट्रिक है दोस्तों, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 135 डिग्री में से 90 डिग्री को घटा देना है, आपके सामने क्या बच जाएगा, 45 डिग्री। जिस भी जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज की वैल्यू कम है और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जो जहाँ से व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, जो उत्तर पूर्व दे दिया, उत्तर पूर्व से आपको केवल 45 डिग्री ही घुमाना है उसको, किस साइड, एंटी क्लॉकवाइज आप 45 डिग्री घुमाते आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ, इसका आंसर होगा दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको अपनाएं दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री दिशा में घूमता है। पहले तो 45 डिग्री घूमता है, फिर उसके बाद 180 डिग्री घूमता है, फिर वह 270 एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है, तो बताएं अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 180 डिग्री को और 145 डिग्री को जोड़ लेना है, दोनों को जोड़ लेना है और 270 में से घटा देना है। 270 में से आप 225 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास, देखिए ये 45 डिग्री आपके पास बच जाएगा, आप उसको 45 डिग्री घुमा दीजिए, आपका आंसर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। और हमारे पास जो RRB JEE NTPC और ग्रुप डी के जो ऑनलाइन हुए थे पुराने पेपर, वो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर जाता है और उसके बाद फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किमी चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है 20 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, एक बार पुनः मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है तो अपने ऑफिस तक पहुंचता है। तो इस जो आंसर जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में आपके लिए आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट में देना है। प्रवण 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं घूमता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं हर बार बाएं घूमकर 5 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलता, तो बताएं कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर किस दिशा में है। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को करिए
और आगे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ आगे वाला, जो अलग थोड़ा सा अलग हटके है दोस्तों, वो सीधा क्वेश्चन नहीं है। एक व्यक्ति 90 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 20 किमी चलता है, एक बार पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, वह अंततः दाएं घूमकर 100 मीटर चलता है, तो बताएं कि वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए, आपको सबसे पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलाना है उसको। सबसे पहले कहाँ से पूर्व दिशा में 90 मीटर, और फिर उसके बाद दाएं घुमाकर 20 किलोमीटर, दाएं 90 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से जो दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलना है, एक बार पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद 30 किलोमीटर चलाना है दोस्तों। अंत में दाएं घूमकर 100 मीटर चलता है, अंत में दाएं घूमकर 100 मीटर चलता है। तो दोस्तों इसमें एक जो समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो इसमें देखिए आपको 80 मीटर तो आपका क्या हो जाएगा, जो पेपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो आपका बेस होगा जो 60 मीटर का होगा। आपको क्या निकालना है इसमें, हाइपोटेनस निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है दोस्तों। आपको सीधा सीधा सूत्र लगा देना है, एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको 80 जो वो रख देना है, मान रख देना, और मान रख के आप एक उसका मान निकाल लोगे और आंसर आ जाएगा 100 मीटर पूर्व दिशा में। अगला सवाल है, जो अगला सवाल आपको करना है दोस्तों, ये देखिए अगला सवाल जो सेम टू सेम इसी तरह का सवाल है दोस्तों। तो चलिए आगे के लिए चलते हैं दोस्तों, और इसमें बात करते हैं जो अपने जो कुछ घड़ी से संबंधित सवाल भी आते हैं इसमें दोस्तों, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो तीन दोस्त पी क्यू आर एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं, और समान दूरी तय करने के बाद कुछ देर बाद पी और आर के द्वारा बनाए गए क्षैतिज मार्ग पर आर लंबवत जाता है। यदि क्यू के दक्षिण पश्चिम में आर हो तो पी की किस दिशा में क्यू होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको जमाना है, और एक इसमें अंदर एक दो जो 90 डिग्री के दो कोण बनेंगे, उनके माध्यम से आपको आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन है जो आपको करना है दोस्तों, इसमें जो अगला क्वेश्चन दे रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और आपको जो भी इन कमेंट्स को देगा बहुत अच्छे उनका ये मान लीजिए NTPC और JEE फाइट है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लेके आएंगे आपके लिए और एक नए टॉपिक पर। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, हम उन कमेंट्स पर वीडियो बना देंगे दोस्तों। और आप एक चीज़ बता दो दोस्तों, अगर आपने अभी तक जो पुराने पेपर नहीं लिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से पुराने पेपर उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए। अगर आप जितना सॉल्व करते हो उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।